जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं यूपीएससी के अंदर उनको थोड़ा सा बताऊंगा। और ये पूरी पूरी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपके पास एक साथ में पर्यावरण के प्रश्न रहें। और इसमें 2011 से लेकर अब तक आए हुए सभी प्रश्न पत्र हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये पहले से ही मैंने बताया था तो डाउनलोड की थी, लेकिन फिर भी एक बार और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों लोगों तक ये सहायता पहुंच सके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके प्रश्न पत्र देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं प्री के अंदर, उसके बाद में आपको स्टडी करनी है। क्योंकि आपको कम से कम इतना तो पता पड़ेगा, पता रहेगा कि आपको किस प्रकार से चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुराना पेपर उठाइए, ख़त्म पुराना पेपर उठाइए, और अपनी जो भी बुक्स है आपके पास, और बुक के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एक दृष्टि की बुक आती है वो आप पढ़ लीजिए। देखिए, जहाँ से भी जिस भी व्यक्ति की जिस भी कोचिंग संस्थान की कोई भी चीज़ अच्छी होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा ज़रूर, ठीक है। उसमें कोई चक नहीं करूँगा मैं, कभी मैं आलोचना भी कर सकता हूँ किसी की जहाँ पर वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो कुछ भी हो। और जो भी चीज़ अच्छी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे पर्यावरण के लिए एक सटीक चीज़ है और हमारा एक नोट्स है पर्यावरण का, एनसीईआरटी एमसीक्यू, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उन पर मैं आपको बताऊंगा। तो देख लेते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, यानी कि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताऊँगा, किन किन टॉपिक्स से आते हैं वो बताऊँगा। जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे एनजीटी बोला जाता है, आप सभी को पता है एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ये दो टर्म्स आ गए, तो इनको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनके बारे में पढ़ने हैं। प्रश्न पत्र तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स से निकाल ही सकते हो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक संबंध, जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे GACSA बोला जाता है, कि संदर्भ में, यानी कि GACSA ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ले लीजिएगा आप, है ना। और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। ये छठा विलोपन जो है, जिस समय ये एग्ज़ाम में आया होगा उस समय समाचार पत्रों में रहा होगा, इस वजह से ये डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी डालिएगा और आपको इसके बारे में पता पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जीएम क्रॉप से है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट वैसे तो है, लेकिन ये उसके अंदर आ जाएगा, कृषि के अंदर इसमें ये डाल दिया गया है। कार्बन निषेचन, ठीक है, कार्बन फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी कर लीजिए कहीं से भी चाहे, ठीक है, गूगल से सर्च कर लीजिए या फिर बुक लीजिए वहाँ से पढ़िए, यानी कि ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, कहने का मतलब है, क्योंकि आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है ही हैं ये। और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए थोड़ा सा। बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नदी के तल से जो बालू निकाल ली जाएगी उसके क्या क्या परिणाम होंगे, तो ये एक सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर आपको स्टडी की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको गहन अध्ययन, मतलब मानसिक एक जो अध्ययन होता है ना वो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जैसे PAGE बोला जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब पूछते हैं ना क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, तो बस ये जब पढ़ोगे तो उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हों उन्हें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आप देख ही लोगे, ठीक है। ये जूली फ्लोरा, ये कोई पौधा है, समाचार पत्र में रहा होगा उस साल, इस वजह से दे दिया, लेकिन अब आप क्या करिए, इसे पढ़ लीजिएगा, इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें मिलें आपको वो पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई, तो ये पहल है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिएगा। जैसे इसका आंसर है UNFCCC, तो UNFCCC होता क्या है, ये टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लेने हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, इसे डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए, पर्यावरण अपना समाप्त कीजिए। और बुक मैंने बताई है, एक हमारा नोट्स है वो आप NCERT का बना हुआ है, यानी कि जो भी NCERTs हो सकती हैं या फिर जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं जहाँ जहाँ से, उनमें पूरी डाल दिए गए हैं, ठीक है। उसका शायद 50 रुपये का होगा, वो अधिकतम होगा इतने का। और एक दृष्टि की बुक ले लीजिए, वो बेस्ट है मुझे लगता है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या फिर क्या पढ़ना है, किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारी PDF वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड कराऊँगा धीरे धीरे। और यदि इसमें कोई पासवर्ड मांगे इस वाले में, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम मेट जी या तो डलेगा, ठीक है, या तो स्मॉल या फिर लेटर में डाल के देख लीजिए, नॉर्मल लेटर में डाल के देख लीजिएगा, और या फिर मेरा नाम गोल्डेज कुमार डलेगा, ठीक है, पासवर्ड के अंदर, तो ये देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।